कन्हैया कुमार एक जाने माने युवा नेता हैं जो सरकार के खिलाफ अक्सर अपने विचार खुलकर रखते हैं, जिस वजह से लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। हाल ही में कन्हैया मीडिया डिबेट में फिर से दिखने लगे हैं, तो आज उनकी डिबेट की बात करते हैं जिसमें कन्हैया ने बीजेपी नेताओं को अपने जवाब से चुप करवा दिया हो। न्यूज 18 के प्रोग्राम चौपाल पर कन्हैया कुमार और बीजेपी प्रवक्ता राम कदम आमने सामने आए। इस डिबेट में राम कदम ने कन्हैया को बार बार भारत माता की जय बोलने को कहा। कन्हैया ने जब सवाल करने शुरू किए तो राम कदम ठीक से जवाब ना दे पाए। एक तिरंगा को मानते हो? हाँ बिल्कुल मानते। भारत माता की जय कहते हो? बिल्कुल कहते हैं। कहिए एक बात। अच्छा एक बात, नहीं नहीं कहिए, भारत माता की जय। भारत माता की जय हम कहते हैं। 10 फरवरी 2016 में कहा था मेरी माँ का, मेरी पत्नी का भारत माता की नाम जय कहूंगा, ताकि वो स्कूल में जब बच्चा आ जाएगा उसका भी नाम भारत माता की जय कहूंगा, ताकि उसको स्कूल वाले फीस माफ कर दे। राम कदम जी का टिप्पणी नहीं। राम कदम जी सुनिए, अब सुनिए, अब आप क्या है, ऐसा है अब क्या है ना कि आप मेरे अंदर का बिहारी जगा दिए। हम भी पात्रा बनने का शौक है ना, यही सवाल हमसे पूछे थे और उनको हम जवाब दिए थे। जवाब जानते हैं क्या दिए थे? कि भारत माता की जय हम बोलते हैं। आप गांधी को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। तो गोडसे बोलिए, गोडसे मुर्दाबाद। गोडसे मुर्दाबाद, जिसने हत्या की है गोडसे के कार्य का हमने कभी समर्थन किया है? गोडसे मुर्दाबाद बोलते हैं। समर्थन किया है? किया है भाई, निंदनीय है। आरएसएस के ऑफिस में, आरएसएस के ऑफिस में गोडसे का फोटो लगाया हुआ है। ये सब ना तुतु मैमे नहीं किए मेरे साथ। तुतु मैमे का जवाब हमको देने के लिए आता है। आप सवाल का जवाब सुनिए। इसी डिबेट में आगे राम कदम ने विचारधारा शब्द का इस्तेमाल किया तो कन्हैया ने फिर उनके सामने एक सवाल रखा, जिस पर राम कदम बात को गोल मोल घुमाने लगे, पर कन्हैया ने भी ऐसा उन्हें करने से रोक दिया। आप कांग्रेसी लोग जिसे झगड़ा समझते हो, भारतीय जनता पार्टी उसे विचारधारा की लड़ाई समझती है। कौन सी विचारधारा? कौन सी विचारधारा? विचारधारा किसकी? विचारधारा सुनिए, एक बात ये बताएं। नमस्ते, भाजपा भाजपा किसके विचारधारा पे चलती है? पांच नाम बताइए। भाजपा की विचारधारा किसको फॉलो करती है? पांच नाम बताइए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि त्वया हिंद भूमि सुखम वर्धितोऽहम्। अरे शाखा में पढ़ाया जाता है। पांच व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति की विचारधारा पे आरएसएस बीजेपी चलती है। पांच व्यक्ति का नाम बताइए सीधा सीधा। हमारी जो प्रार्थना है, हाँ बताए मुझे वो प्रार्थना ना, 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 उसके उसके उसका अर्थ बताओ। पांच व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, संस्कृत में है। पांच व्यक्ति का नाम नहीं बताएंगे? अरे मोदी, अमित शाह, योगी, संबित पात्रा, यही गिना दीजिए, स्मृति ईरानी। पांच बोलिए ना महाराज, काहे घबरा रहे हैं? हो गया पांच, पांच नाम हो गया, तब मैं जवाब दूंगा। हो गया भाई, बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी क्या है, मैं बताऊंगा कि कांग्रेस पार्टी होने का क्या मतलब होता है। कन्हैया कुमार हाल ही में कांग्रेस से जुड़े हैं, पर इससे पहले भी वह इसी तरह बीजेपी नेताओं को डिबेट में धूल चटा चुके हैं। इंडिया टुडे पर अमिताभ सिन्हा और कन्हैया के बीच जब डिबेट हुई थी तो अमिताभ सिन्हा ने कन्हैया को एक विषय में घेरने की कोशिश की, पर कन्हैया उसका उल्टा जवाब देते रहे। इन्होंने फौजियों की बात की, 76 सीआरपीएफ के लोग जब मारे गए थे दंतेवाड़ा में, और जेएनयू में इन लोगों के नेतृत्व में वहाँ पर मिठाई बटी और पार्टी हुई। हाँ, उस समय 2010 में, हमें 2011 में मेरा, अरे अधिकार ही नहीं, अरे कुछ पता नहीं है इस आदमी को, इस आदमी को पता नहीं है। मेरा एडमिशन 2011 में हुआ, झूठ बोलिएगा। आपका जन्म कब हुआ? आपका जन्म कब हुआ? 87 में। हाँ, तो इसीलिए आपको तियानामेन स्क्वायर भी नहीं पता होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि आप बुतरू थे। आपको पता है, आप 10 में जब 76 सीआरपीएफ जवान की वर्ष के खिलाफ जो है, जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा था, तो आप क्या करते? चूड़ी पहन लिए थे, क्या किए थे बोलिए? अरे सुनिए, अरे हम नहीं थे, आप थे ना, आप क्या किए थे बताइए, हमको जवाब दीजिए। जेएनयू में आप थे, हम जेएनयू के बाहर थे, और हम लोगों ने जाके दुनिया में जाके बताया कि जेएनयू में ये जो लोग हैं, ये लोग नकली लोग हैं, ये लोग अफजल गुरु की बरसी मनाने के लिए आप मनाए हो। बताइए, हम अफजल गुरु का बरसी मनाए हैं 9 फरवरी को, गृह मंत्री मोटा भाई जो अपने आप को चैनल कह रहा है, 9 फरवरी रखिएगा। अरे चुप रहो यार, रखिएगा जेल में। न्यूज 18 के प्रोग्राम चौपाल में जब कन्हैया और संबित पात्रा आमने सामने आए तो संबित और कन्हैया कुमार एक दूसरे पर काफी तंज कसते दिखे। संबित ने कन्हैया को जब घेरा तो कन्हैया ने इसका करारा जवाब भी दिया। हमारे पास सवाल का जवाब है, आपको जवाब सुनने का हिम्मत है तो सुनिए, आपको जवाब सुनिए। एक मिनट संबित जी, मैं आपको 10 सेकंड ले सकता हूँ? ऐसे नहीं होगा, 10 सेकंड ले सकता हूँ? रोज 10 सेकंड ले, रोज रोज 9 बजे जाते हैं और भाव भाव करके चले जाते हैं। भाव भाव क्या होता है? देखिए, ये गलत बात है। आप जवाब दीजिए कन्हैया जी, जवाब पहली बात है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, गुजरात से आर्मी में नहीं जाता, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ये वही लोग हैं ना जिन्होंने कहा था गुजरात से कोई शहीद नहीं होता, गुजरात से लोग आर्मी में नहीं जाते हैं। इन्होंने काउंट मांगा था ना गुजरात, आप और आप, आपके राहुल गांधी ने कहा था, हमारे राहुल गांधी, आपके अखिलेश भैया ने कहा था, हमारे अखिलेश भैया तो मोदी जी आपके चाचा हैं क्या? मेरे चाचा नहीं, कौन है? इस देश के बाप है, कौन है? प्राइम मिनिस्टर है। बाप होंगे इस देश के, बाप नहीं है, बिल्कुल है, हमारे बाप नहीं है। ये चुप रहेंगे 2 मिनट के, तब बोलिए ना। इतना जोर जोर से बोल के तो बन गए एजेंसी के डायरेक्टर आप, क्या आपको संसदीय का डायरेक्टर नहीं बने हैं क्या? आपको मंत्री बनना है?
जवाब तो जिन्हें सुन लीजिए भैया। आपको कन्हैया कुमार की डिबेट्स कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब कड़ी के साथ। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.